हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिनको हम पर्सनल प्रोनाउंस के रूप में जानते हैं, और पर्सनल प्रोनाउंस को हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिनके द्वारा हम पर्सन या थिंग्स के बारे में बताते हैं। तो चलिए पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में सीखने के लिए इस टेबल पर चलते हैं। तो इस टेबल में जितने भी ये प्रोनाउंस हैं ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ठीक है। आप ये पहली पट्टी देख रहे होंगे, इसमें आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये ऐसे पर्सनल प्रोनाउंस हैं जो हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। सब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह इनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप ये जो पट्टी देख रहे हैं, इसके बाद आते हैं हम इस पट्टी पे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट, ये इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। सेंटेंस में इन प्रोनाउंस को हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट यूज करना चाहते हैं वहाँ पर हम इन प्रोनाउंस को यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट हम यूज करते हैं मेन वर्ब से पहले सेंटेंस में, और जो ऑब्जेक्ट है वो हम यूज करते हैं सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो प्रोनाउंस आप देख रहे हैं इस पट्टी में, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इनको आप सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट की जगह यूज कर सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, इनको हम सिर्फ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी बच गई दो पट्टियाँ, देखिए ये एक तो ये पट्टी बच गई और एक ये पट्टी बच गई। तो ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, या हम इनको कई ग्रामर बुक्स में इनको डिटर्मिनेंट के नाम से भी लिखा गया है। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव कह लीजिए आप, चाहे डिटर्मिनेंट्स कह लीजिए, ठीक है। और ये पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं, ये जो है ना, ये माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स, ये पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। इनको पॉजिटिव एडजेक्टिव इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सेंटेंस में अकेले नहीं आते हैं, इनके बाद हमें कोई ना कोई नाउन लिखना पड़ता है। जैसे मैंने लिखा माई, ठीक है, तो अगर अब मैं माई लिख के छोड़ दूँ तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इससे इसके बाद मुझे कोई ना कोई नाउन लिखना पड़ेगा, जैसे माई बुक लिखूँ मैं या तो, या माई पेन लिखूँ, ठीक है। इसी प्रकार से योर, योर के बाद मैं कोई ना कोई नाउन लिखना पड़ेगा मुझे, जैसे योर बैग लिखा मैंने। तो ये अकेले यूज नहीं करते हैं हम इनको किसी भी सेंटेंस में, इसलिए इनको पॉजिटिव एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं। अब देखिए इसके बारे में और भी बातें हैं जरूरी जो आपको पता होनी चाहिए। ये आई है, ठीक है, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है, माई। इसकी ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। और इसकी जो पॉजिटिव प्रोनाउन जो फॉर्म होती है वो होती है माइन, ठीक है। इसी प्रकार से वी, आवर, अस, आवर्स, ठीक है, यू, योर, यू, योर्स। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे यू, यू का सब्जेक्टिव फॉर्म और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों सेम होती हैं। उसके बाद ही, हिज, हिम और हिज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ही की जो पॉजिटिव एडजेक्टिव जो फॉर्म है वो और इसकी पॉजिटिव प्रोनाउन वाली फॉर्म सेम होती है, ठीक है, ये दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे देखिए सी, हर, हर और हर्स, यहाँ पे जो सी की जो पॉजिटिव एडजेक्टिव और इसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो सेम होती है। इसके बाद इट, इट्स, इट। अब इट जो है एक ऐसा प्रोनाउन है जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, यह मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा हम इनको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो इट, इट्स, इट, तो इट का सब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी होती है, इसकी पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर्म भी होती है, लेकिन ये इसकी पॉजिटिव प्रोनाउन वाली फॉर्म इसकी नहीं होती है। उसके बाद दे, देयर, देम, तो ये देयर सब्जेक्टिव केस हो गया, इसका देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, देम इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और ये देयर्स जो है ये पॉजिटिव प्रोनाउन वाली इसकी फॉर्म हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके पॉजिटिव प्रोनाउंस को, अब देखिए आई से बना माइन, ठीक है, और ये जो बाकी के हैं ये हम सिर्फ जो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं यहीं से बने हैं। देखिए और में एस लगा दिया तो आवर्स बन गया, योर में एस लगा दिया तो योर्स बन गया, हिज को हिजी रख दिया, हर को हर्स बना दिया, एस लगा दिया इसमें, और इट्स की तो कोई होती नहीं है, ठीक है, इसकी फॉर्म, और देयर को जब लिखा तो देयर्स बना दिया। मतलब इसको याद करने का एक आसान सा तरीका है पॉजिटिव फॉर्म को, जैसे आई का तो माइन याद रख लीजिए और बाकी इन्हीं में ही एस लगा हुआ है, इसकी तो ये जो इट्स है इसकी तो पॉजिटिव प्रोनाउन फॉर्म है ही नहीं, और जो हिज है ये जो का त्यों है, ठीक है, बाकी में सभी में एस लगा हुआ है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, वो ये देखिए कि जो यू है, ठीक है, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म जो हैं वो सेम होती है। मतलब आप सब्जेक्ट की जगह भी यूज़ कर सकते हैं यू को, और ऑब्जेक्ट की जगह करेंगे तब भी आप यू को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ये है, ये जो मतलब इस बॉक्स में जो ये प्रोनाउंस लिखे हैं मैंने, ये है फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है, ठीक है। और ये जो है ना, ये यू, ये है सेकंड पर्सन प्रोनाउन,
ठीक है, और ये जितने भी बच गए ये ही सी इट दे, ये है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउंस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में वो उनके तीन पर्सन्स होते हैं, उनको तीन पर्सन्स के मतलब फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, इस हिसाब से इनको जो है बांटा गया होता है। तो ये आपको माइंड में रखना है कि आई और वी है फर्स्ट पर्सन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आगे जब भी हम नरेशन करते हैं या वॉइस करते हैं और भी ग्रामर की दूसरी चीज़ें सीखते हैं तो इनकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि आई और वी है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है, और बाकी ये जो है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, आई सिंगुलर है, ठीक है, आई का जो प्लूरल है वो होगा वी। बहुत बार कुछ लोग पूछ लेते हैं कि आई का प्लूरल क्या होगा, तो आई का प्लूरल होता है वी। ठीक है, अब पूछे कि माई का प्लूरल क्या होता है, तो आवर। मी का प्लूरल क्या होता है, अस। और माइन का प्लूरल क्या होता है, आवर्स। मतलब ये जो पट्टी है आई वाली ये सिंगुलर की है। ठीक है, आई सिंगुलर होता है तो माई भी सिंगुलर ही है, जाहिर सी बात है, मी माइन ये सिंगुलर है। इसकी जो प्लूरल फॉर्म होती है वो होता है वी, वी आवर अस और आवर्स। ठीक है, अब बात आती है इस यू की। अब यू में सिंगुलर प्लूरल कैसे हैं, तो यू जो होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू आर ए गुड बॉय। ठीक है, यू आर ए गुड बॉय। और एक मैंने लिखा है यू आर गुड बॉयज़। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये जो यू है ना ये यहाँ पे सिंगुलर है और ये जो यू है ये यहाँ पे प्लूरल है। अब समझ गए होंगे आप कैसे, तो यू सिंगुलर है कि प्लूरल है ये चीज़ डिसाइड कौन करता है, ये चीज़ डिसाइड करता है इसके बाद आने वाला नाउन। ये नाउन यहाँ पे जो नाउन है ना, ये नाउन अगर सिंगुलर होगा तो यहाँ पे जो यू होगा ये सिंगुलर होगा, और ये नाउन अगर प्लूरल होगा तो यहाँ पे जो यू है ये प्लूरल होगा। तो यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। नेक्स्ट, ये जो है ही सी इट, ये सिंगुलर होते हैं तीनों। ठीक है, ही सिंगुलर, सी सिंगुलर, इट सिंगुलर। ठीक है, इन तीनों का जो प्लूरल होता है वो होता है दे। इन तीनों का प्लूरल क्या होता है, दे। जो ही है ये हम मेल के लिए यूज करते हैं, सी जो है वो फीमेल के लिए यूज करते हैं। ओके, ये जो ही है ये मेल के लिए यूज करते हैं, जैसे कोई पुरुष है उसके लिए ही, अगर कोई स्त्री है उसके लिए सी। इट हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, वैसे इसको लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज किया जाता है, तो जो अभी मैं इसको जो और एक्सप्लेन करूँगा इन प्रोनाउंस को, तो हम इस चीज़ को भी सीख लेंगे कि इट का यूज क्या क्या होता है। उसके बाद जो दे है वो इन तीनों का ही प्लूरल है। ठीक है, चाहिए वो मेल हो, फीमेल हो, नॉन लिविंग थिंग हो, इन तीनों का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, दे। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें जो पता होनी चाहिए वो ये है कि देखिए, ये जो है ना माइन, ये माइन, आवर्स, योवर्स, हिज, हर्स और देयर्स। अब मैंने लिखा जैसे माइन, ठीक है, अब अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में जानोगे तो ये माइन, ये जो माइन है ना इसमें माई और प्लस कोई नाउन छुपा हुआ है। ठीक है, ये जो माइन है इसमें कोई माई और कोई नाउन, एंड कोई भी नाउन हो सकता है, वो छुपा हुआ है। मतलब माई प्लस नाउन से माइन बना है। इसी प्रकार से योर, योर्स जो है, मतलब कोई भी ले लीजिए आप, ओवर्स ले लीजिए, योर्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ये किससे बना है। अब ये भी याद रख सकते हैं, जो माइन है ना, ये माइन जो है ये इस प्लस नाउन, ठीक है, ये प्लस नाउन, ये इसके इक्वल है। इसी प्रकार से जो योवर्स है, जो योवर्स है वो योर प्लस नाउन। ठीक है, जो योवर्स है वो योर प्लस नाउन से बना है, इसमें ये छुपा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप आवर्स ले लेते हैं, मान लीजिए ये मैंने ले लिया आवर्स, तो आवर्स में क्या है, आवर्स में क्या है, ये आवर, ठीक है, ये आवर प्लस नाउन ये है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो माइन है ना वो माई प्लस कोई नाउन है। ठीक है, आवर्स है वो आवर प्लस कोई नाउन है, योवर्स जो है वो योवर प्लस कोई नाउन है, और हिज जो है वो हिज प्लस कोई नाउन है। ठीक है, मैं आपको एक सेंटेंस के द्वारा इसको समझाता हूँ। देखिए, दिस इज माई बुक, ठीक है, वेयर इज योर बुक।
स्पीकर कह रहा है, कोई भी स्पीकर है वो कह रहा है कि दिस इज़ माई बुक, ठीक है। कोई स्पीकर है वो किसी पर्सन से कह रहा है दिस इज़ माई बुक, वेयर इज़ योर बुक, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, तो यहाँ पे देखिए दिस इज़ माई बुक वेयर इज़ योर बुक। अब हम ये जो माइन, आवर्स, योवर्स, हीज, हर्स, देयर्स कब यूज करेंगे, जब किसी नाउन का ऑलरेडी यूज हो चुका होगा और उस नाउन को रेफर करने के लिए हम इनका यूज करेंगे। प्रोनाउन सब कभी यूज करते हैं नाउन की जगह, तो किसी नाउन का पहले जिक्र हो लिया होगा तभी तो हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिस इज़ माई बुक, अब यहाँ तो बुक का पहली बार यूज हो रहा है तो हमें लिखना पड़ेगा माई, माई बुक। लेकिन यहाँ पर हम जब बुक का जिक्र हो ही लिया तो हम ये क्यों लिख रहे हैं दोबारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बन रहा है योर बुक, अभी मैंने क्या बताया था आपको योर प्लस नाउन, तो ये होता है, ठीक है, प्रोनाउन होता है। तो हम यहाँ पर सीधा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं योर्स, ठीक है। तो ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा दिस इज माई बुक वेयर इज योर्स, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे बनते हैं, ठीक है। अभी हम एक बार जो ये सब्जेक्टिव फॉर्म और जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है इनको भी एक बार सीख लेते हैं सेंटेंस के द्वारा। हालांकि ये बहुत ही ईजी है लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इनको समझा देता हूँ कैसे हम इनको यूज करेंगे। तो देखिए आई वी यू ही सी इट दे, ये हम सब्जेक्ट की जगह यूज कर सकते हैं। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखेंगे तो जो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस का उसकी जगह ये यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन ये जो है मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम, इनको अब ऑब्जेक्ट की जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इनको अगर हम सब्जेक्ट की जगह यूज कर दें और इसको अगर ऑब्जेक्ट की जगह यूज कर दें तो गलत हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा आई helped him, ठीक है, आई हेल्प्ड हिम, और एक मैं लिखा ही हेल्प्ड मी। अब देखिए ये वर्ब हो गई, अब ये इसका सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, इसका सब्जेक्ट ये है। यहाँ पर इस सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट आई है, इस सेंटेंस में जो वर्ब का सब्जेक्ट है वो ही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए ये हमने आई लिखा है तो आई हम सब्जेक्ट की जगह लिख सकते हैं क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस होता है। अभी ये जो है ही, तो ही को भी हम सब्जेक्ट की जगह लिख सकते हैं क्योंकि देखिए ये अभी ही भी जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में ही होता है, इसको भी हम सब्जेक्ट की जगह लिख सकते हैं। दोनों सेंटेंस करेक्ट है। ये वर्ब के बाद जो है ये हिम ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो देखिए हिम, हिम इस पट्टी में मिलेगा, देखिए हिम ऑब्जेक्ट, और ये हिम जो होता है ऑब्जेक्ट होता है, उसको ऑब्जेक्ट की जगह यूज कर सकते हैं, तो ये सही है। अब यहाँ पर देखिए मी है तो मी भी ऑब्जेक्ट की जगह हम लिख सकते हैं, तो ये मी भी यहाँ पर सही है। तो आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिख पाएंगे जैसे आप यहाँ पे लिख दें ही आई हेल्प्ड ही, तो ऐसे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, ऐसी मिस्टेक मत करना, नहीं तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगी। ही हेल्प्ड आई, अगर आप ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्टिव, जो सब्जेक्टिव फॉर्म है उसको आप सब्जेक्टिव केस में यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसको आप सेंटेंस का सब्जेक्ट ही बना सकते हैं। तो ये जो प्रोनाउंस है इनको आप सब्जेक्ट ही बना सकते हैं, किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, और ये जो है वो ऑब्जेक्ट ही बना सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह इनको लिख सकते हैं, इनको आप और जगह नहीं लिख सकते। नेक्स्ट, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इनको आप कभी अकेले नहीं लिख पाएंगे सेंटेंस में, जैसे अगर मैं लिखूं दिस इज माई तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं लिखूं दिस बुक इज माई, फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये जो है ये अकेले नहीं लिख पाएंगे हम, इनके साथ तो आपको कोई ना कोई नाउन लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, कोई ना कोई बिन विदाउट नाउन ये यूज नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो लास्ट चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है वो ये है कि ये जो होते हैं माइन वगैरह, आवर्स वगैरह, योर्स, हिज, हर्स, ठीक है ना, देयर्स, ये जिसके लिए यूज किए जाएंगे ना, जिस फ्रेज के लिए यूज किए जाएंगे वो फ्रेज ये होनी चाहिए। कोई भी जैसे आप जैसे माइन यूज करेंगे, माइन यूज करोगे तो वहाँ ये जो माइन है ना, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी फ्रेज को रेफर करता हुआ होना चाहिए जिसमें माई प्लस नाउन हो, ठीक है ना। अगर ऐसी कोई फ्रेज नहीं है तो फिर ये गलत हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, जैसे दिस इज माई बुक वेयर इज, वेयर इज योअर्स, ठीक है ना। तो अब ये जो योअर्स मैंने लिखा, अब ये कैसे होना चाहिए, योअर प्लस नाउन, ये इसका मतलब ये होना चाहिए,
कहीं ना कहीं ये जो नाउन है ना, ये सेंटेंस में पहले यूज हो चुका होगा। तो अब यहाँ पे हमने जब योर्स यूज़ किया है तो जाहिर सी बात है योर तो मैंने यूज, अब यहाँ पे इसको अगर थोड़ा सा डिटेल में समझोगे तो यहाँ पे योर हो गया, योर के बाद कोई नाउन है, नाउन कौन सा है, बुक, ठीक है ना, जो बुक का यूज़ पहले हो लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, वेयर इज़ योर बुक।